दोस्तों नमस्कार। आज की एक विशेष जानकारी आप लोगों के लिए है कि जब भी आप मेडिकल स्टोर पे, पेट शॉप पे या फिर किसी वेटनेरियन से मिलते हैं कि हमारा डॉग कमज़ोर है, तो वो एक सिरप ज़रूर आपको देते हैं और वो सिरप होती है कैल्शियम की। जी हाँ, कैल्शियम की सिरप जब भी हम हमारे डॉग को देते हैं तो आपको हमेशा ही अनुभवी पशु चिकित्सक की सलाह से ही लेनी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम देना डॉग्स के लिए कई बार बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। यही बात आज के इस वीडियो में मैं डिटेल से करने वाला हूँ। देखिए, कैल्शियम हम जब भी किसी डॉग को देते हैं तो उस समय क्या होता है, आप सभी को पता है कि कैल्शियम की मात्रा जो एक्स्ट्रा होती है डॉग के शरीर में, वो कहाँ स्टोर होती है, वो होती है हड्डियों में। और हड्डियों में 99% लगभग 99% कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है, अवशोषण जो है, वो हड्डियाँ ही करती है। और ये अवशोषण हड्डियाँ करके और हड्डियाँ मजबूत होती है। लेकिन भाई, ये हमेशा ही लिमिट में ही अच्छा होता है। जब डॉग ग्रोविंग स्टेज में होता है उसी समय अच्छा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि कैल्शियम देना शुरू कर दिया तो उसको फिर बंद ही नहीं करते हैं। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कहाँ नुकसान करेगा, ये आप देख पा रहे हैं। ज़्यादातर मैंने GSD का फोटो क्यों लिया, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम GSD के साथ होती है। आप सोचते हो भारी भरकम शरीर है, मैं इसको कैल्शियम दूंगा तो हड्डियों को कैल्शियम मिलता रहेगा और मजबूत ठाड़ा बना रहेगा। तो भाई, मजबूती तो रहेगी रहेगी, लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान यही है कि हड्डियों की भी एक स्टोरेज की लिमिट होती है, जहाँ तक वो स्टोर कर सकती है। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूसली चालू रखा कैल्शियम, तो हड्डियाँ फिर कैल्शियम को लेना बंद कर देती है, तो फिर वो कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है? सेकंड जो स्टोरेज वो बनाता है, वो बनाता है फ्रेंड जॉइंट्स। जितने भी जॉइंट्स हैं शरीर के, मैं सिर्फ इन्हीं को इंडिकेट कर रहा हूँ, बाकी शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं उन सभी जॉइंट्स में स्टोरेज होगा कैल्शियम। और ये जब स्टोरेज होगा तो भाई जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। नतीजा लंगड़ापन। आपने देखा कई कई डॉग्स में बहुत ज़्यादा लंगड़ापन होता है, उनको चलने में भी दिक्कत होती है, कई बार लेग बेंडिंग भी इसी कारण की वजह से हो जाती है। तो GSD में लेग बेंडिंग क्यों हुई? कैल्शियम की अधिकता की वजह से हुई। और ये गलती अनजाने में होती है, जानबूझ के कोई नहीं करते हैं। सभी यही सोचते हैं कि मैं कैल्शियम दूंगा अपने डॉग को तो वो अच्छी ग्रोथ करेगा, लेकिन भाई ये लिमिट में दिया जाता है। उससे पहले आप अपने डॉग की कैल्शियम की जाँच करवा लें, लेवल क्या है। अगर कमी है तो दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। क्योंकि अगर आप डॉग फूड दे रहे हैं उसमें ऑलरेडी है तो आपको देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप डॉग फूड नहीं दे रहे हैं तो मुझे उम्मीद है दो चीज़ें ज़रूर दे रहे हैं आप, दही दे रहे हैं, एग दे रहे हैं, तो उनमें कैल्शियम है। आप दूध पिला रहे हैं, कहीं से दूध पिलाते हैं कि साहब दूध पिलाएंगे, तो दूध पिला रहे हैं तो उसमें कैल्शियम है। तो भाई, अगर आप डॉग फूड दे रहे हैं तो वहाँ पर भी कैल्शियम मिल रहा है, और होम फूड में रख रहे हैं जिनमें दही है, अंडे हैं और दूध है, तो भाई उनमें भी तो है कैल्शियम। तो इसीलिए कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो भी करें, नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से करें, नहीं तो जॉइंट्स में इतनी भारी प्रॉब्लम होगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर मान लीजिए पशु चिकित्सक की सुविधा नहीं है तो आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि ग्रोइंग स्टेज में आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप महीने में 5 से 10 दिन देना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर दे रहे हैं कि साहब मैं तो 1 लीटर का लेके आ गया अपने डॉग के लिए, अब रेगुलर दूंगा, तो भाई बिल्कुल गलत है। क्योंकि एसएस यानी ज़्यादा मात्रा में दिया गया कैल्शियम जॉइंट में इकट्ठा होगा, नतीजा लेमनेस, लेग बेंडिंग।